हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डू मिक्सचर, द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, मिक्सचर्स। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, मीन्स जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो केमिकली नहीं जुड़े हुए होते उनको मिक्सचर कहते हैं। एयर इज ए मिक्सचर जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है जो केमिकली कंबाइंड नहीं है, लेकिन उनकी किसी भी अमाउंट में उनको मिक्स करके हम जब एक मिक्सचर तैयार करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास सॉल्ट है और शुगर है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया, तो हम उनकी किसी भी अमाउंट में मिक्सचर तैयार करेंगे तो वो हम काउंट करके नहीं ऐड करते, उनको सिर्फ मिक्स किया और वो उनका क्या बन गया, मिक्सचर। कि हमारे पास कंचे हैं, दो कलर के हैं, रेड कलर के और ब्लू कलर के, और दोनों को हम बिना काउंट किए किसी भी अमाउंट में एक मुट्ठी रेड डाल दिए, एक दूसरे डाल दिए, तो दोनों से जो बना वो क्या हो गया, मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टू टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स इन विच कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड, कम्प्लीटली मिक्सड, नो क्लियर कट बाउंड्रीज आर प्रेजेंट बिटवीन द टू सब्सटेंस। सपोज व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर देन वी डोंट आइडेंटिफाई शुगर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर, बट एंड व्हेन वी डिजॉल्व शुगर सॉल्ट इनटू वाटर देन दैट इज नॉट आइडेंटिफाइड। सपोज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्सड इन वाटर एंड देन ए ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर। कि जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंबाइन करें और उनके डिजोल्व करने के बाद हमें उनकी बाउंड्रीज का पता ना चले, मीन्स हम उनको आइडेंटिफाई ना कर सके कि कौन सा सॉल्ट है, कौन सा शुगर है, दैट इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच वी ईजली आइडेंटिफाई दैट सब्सटेंस विच इज डिजोल्व इन टू द अनदर लिक्विड। सपोज चोक एंड वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कि अगर हमने पानी के अंदर चोक को मिक्स किया, मिट्टी को मिक्स किया, तो उसके पार्टिकल्स हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस जिसमें डिजोल्व किया हुआ हमें पता ना चले, आइडेंटिफाई ना हो टेस्ट किए बिना, और हेट्रोजीनियस जिसमें डिजोल्व करने के बाद भी वो हमें मूव करता हुआ दिखाई दे, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मिक्सचर। हेयर इज गिवन एग्जाम्पल आयरन एंड सल्फर। बाई टेकिंग एन वन एग्जाम्पल ऑफ आयरन एंड सल्फर, कि हमने एक मिक्सचर तैयार किया, इसमें क्या है कि हमने एक बाउल ली और बाउल के अंदर हमने आयरन और सल्फर दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब एक मुट्ठी आयरन डाल दिया, एक मुट्ठी सल्फर पाउडर डाल दिया। तो उनको जब हम मिक्स करेंगे तो हमने उनको मैग्नेट से सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम उसमें मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो आयरन पार्टिकल सारे उसके साथ चिपक जाएंगे, या हमने अगर मान लो इस मिक्सचर के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड डिजोल्व कर दिया, एक लिक्विड होता है कार्बन डाइसल्फाइड, अगर हम इसको इसमें डालेंगे तो जितनी भी सल्फर इसके अंदर प्रेजेंट है सारी इस कार्बन डाइसल्फाइड में के अंदर घुल जाएगी, और आयरन ऐसे ही पड़ा रहेगा जिसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मींस जो मिक्सचर है उनको हम फिजिकल मेथड से, इन ये फिजिकल मेथड्स के नाम हैं, किसी भी मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर। सेकंड, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन इट। मतलब जो हमारे पास मिक्सचर तैयार किया है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब जिससे वो मिक्सचर बना हुआ है, कि उन्हीं की प्रॉपर्टी शो करता है जिससे वो मिलके बना हुआ है। कि अगर हमने इसमें सल्फर का पार्टिकल उठाएंगे तो वो सल्फर की प्रॉपर्टी शो करेगा, आयरन का उठाएंगे तो आयरन की करेगा, मतलब मिक्सचर जिससे भी बना हुआ हो वो उसी की प्रॉपर्टी शो करता है। सपोज करो कि आपको खिचड़ी बना के दी हुई है, तो उसमें जो दाल का पार्टिकल है वो दाल की प्रॉपर्टी शो करेगा, और जो चावल का पार्टिकल है वो चावल की करेगा, तो वो क्या होता है हमारे पास, एक मिक्सचर। थर्ड प्रॉपर्टी, एनर्जी इज यूजली नाइदर गिवन आउट नोर एब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। कि अगर हमने ये मिक्सचर तैयार किया तो ना तो इसको मिक्स करते वक्त हमें उसको गर्म करना पड़ता है,
मीन्स हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है और ना ही इनको मिक्स करने के बाद इससे हीट प्रोड्यूस होती है। मीन्स हम किसी भी मिक्सचर को प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए किसी भी मिक्सचर की हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब क्या है कि हीट नाइदर गिवन आउट एंड नोर एब्जॉर्ब। फोर्थ पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ वेरिएबल, मतलब इनकी कंपोजिशन है वो वेरिएबल, मतलब चेंज होती रहती है। हम किसी भी अमाउंट में किसी भी उसका कितना भी मास लेके हम उसको मिक्स करके मिक्सचर तैयार कर सकते हैं, इसका कोई भी डेफिनेट फार्मूला नहीं होता। जिस तरह से इसमें लिया है कि हमने कुछ अमाउंट, एक एक आयरन का पार्टिकल नहीं काउंट करेंगे, हम क्या करेंगे कि हमने कुछ स्पून लिया, टू स्पून लिया आयरन ले लिया, वन और टू स्पून सल्फ़र ले लिया, उससे क्या बन गया हमारा आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर। क्या घर पे हम अगर खिचड़ी बनाते हैं तो क्या उसके अंदर चावल और दाल के दाने काउंट करके डालते हैं? नहीं डालते। क्यों? क्योंकि हमने मिक्सचर तैयार करना है, कोई भी केमिकल फॉर्मूला तैयार नहीं करना, इसलिए इसका कोई भी डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होता और किसी भी अमाउंट में मिक्सचर की कंपोजिशन हो सकती है। नेक्स्ट, वी कंक्लूड दैट मिक्सचर डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि जो ये मिक्सचर तैयार किया है इसका डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होएगा वो पहले मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका ज़्यादा होएगा वो बाद में मेल्ट होगा। अब यहाँ पे सल्फ़र पहले मेल्ट हो जाएगा, आयरन बाद में होगा, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे आता जाएगा मिक्सचर में वो वैसे वैसे मेल्ट होते जाएंगे। मिक्सचर इज़ यूजली हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब अगर हम इनका मिक्सचर तैयार करें तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स इस सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली जुड़े हुए हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल है, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में हमेशा कंबाइन होंगे। इसी तरह से जो भी हमारे पास सॉल्ट का है NaCl, अमोनियम क्लोराइड का है NH4Cl, सबका फॉर्मूला फिक्स होता है और इसके अंदर ये फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे है कि हमारे पास जब आयरन और सल्फर का कंपाउंड बन जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयरन को मेल्ट करेंगे, फिर सल्फ़र को मेल्ट करेंगे, और दोनों को मेल्ट करने के बाद फिर उनका जो मिक्सचर तैयार हुआ उसको दोबारा से मेल्ट करेंगे, रिएक्शन करवाएंगे, जिससे उससे आयरन सल्फाइड बन जाएगा। और इस आयरन सल्फाइड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, मींस जो सिंपल फिजिकल मेथड है जैसे पीछे किया था मैग्नेट वगैरह का, अगर हम आयरन सल्फाइड में मैग्नेट रोटेट करते हैं तो मैग्नेट के साथ आयरन स्टिक नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई है। मींस डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट्स, मीन्स कंपाउंड बनने के बाद इसकी प्रॉपर्टी उनसे अलग हो गई है। हीट इज़ यूजली गिवन और एब्जॉर्ब, इसको मिक्सचर को कंपाउंड को तैयार करते वक्त कंपाउंड को हम या तो उसको हीट प्रोवाइड करेंगे या उसमें से रिएक्शन करवाने के बाद हीट प्रोड्यूस होती है। मीन्स एक कंडीशन ज़रूर होगी केमिकल चेंज में कि हमने अब जैसे इसमें हीट प्रोवाइड किया, पहले आयरन को मेल्ट किया, फिर सल्फ़र को किया, फिर उससे उसको हमने मिक्सचर तैयार किया, तो ये क्या है हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये क्या हो गया एक केमिकल चेंज। कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज़ फिक्स्ड कि हमने जब भी इनका मिक्सचर तैयार करेंगे हमेशा आयरन और सल्फ़र की जो रेशियो है वो फिक्स लेंगे, तभी उसका एक डेफिनेट फॉर्मूला बनेगा। जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, मतलब फिक्स रेशियो है, फिक्स उनकी नंबरिंग है, तो जो भी हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कंपाउंड उनमें हमेशा फिक्स रेशियो में वो कंबाइंड होते हैं। आयरन और सल्फ़र दोनों से अब क्या बन गया आयरन सल्फाइड, तो इसमें अब ये नहीं होगा कि आयरन पहले मेल्ट हो गया सल्फ़र पहले हो गया, उसका एक ही फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो गया अब, और ये हमारे पास क्या होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर हमेशा हेट्रोजीनियस होगा और कंपाउंड होमोजीनियस होगा। आगे इनके डिफरेंस दिए हुए हैं तो आपने ये डिफरेंस करने हैं, यहाँ पे ये सेम रिपीट किया गया है जिसको दोबारा रीड नहीं करना, ये आपको
करना है। अब आगे यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम दे रखी है कि एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर ए मिक्सचर नॉट ए कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड नॉट ए मिक्सचर। अब ये क्या इंडिकेट करता है? देखो एयर है, इसको हम इनके ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट कर सकते हैं। इसमें जितनी भी गैसेस हैं सबका अपना अलग अलग मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, इनको हम किसी भी रेशियो में